नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि करंट अफेयर के वीकली सेगमेंट्स आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे दिए जा रहे हैं, परीक्षा मंथन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग एक एक हफ्ते की करंट अफेयर को कवर करते हुए चल रहे हैं और जिससे आपको बर्डन भी नहीं रहेगा। आप लोग एक एक हफ्ते की करंट अफेयर को देखते हुए इनको भी नोट करते चलें, क्योंकि अब जैसे कि परीक्षा नज़दीक आ रही है तो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी आपके लिए बढ़ते जाएंगे, तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि एक एक जो वन वन जो वन वीक की जो करंट अफेयर आप लोगों के सामने आ रही है उसको आप लोग देखते हुए कवर करते चलें। और ये जो सेगमेंट है जो आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं बच्चों, ये आप लोगों के, चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हो, या कोई वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस और या जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कोई भी पॉइंट आप लोगों का यहाँ से बाहर नहीं मिलने वाला है आपको परीक्षा में। बस आपको यही करना है कि आप लोग इसको अच्छे से कवर करते चलें, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ओके कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस वगैरह ली जाएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहे, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप चैनल पर विजिट करके ये बेल आइकन देख पा रहे हैं इसको आप ओके कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अच्छा, कई बच्चों के फीडबैक आए कि वो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चों आपको बता दें कि टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस लिंक को वहाँ जाके आप सर्च करेंगे तो आप परीक्षा मंथन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस लिंक को वहाँ सर्च कीजिएगा, इसमें आपको बेनिफिट यही होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में हो गई, PDF जानकारी हो गई, या अन्य जो भी मैगजीन परीक्षा मंथन के प्लेटफॉर्म पर आएंगी, आगे जो भी अपकमिंग मैगजीन रहेंगी उनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। और आपको बता दें, अभी जैसे कि एक सीरीज और चल रही है इसी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे लक्ष्य 1 2021 के ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्वार्टरली भी अवेलेबल है। अन्य मैगजीन भी कहीं ना कहीं अब प्रकाशित हो रही हैं, आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेस कर सकते हैं और आप परीक्षा मंथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लासेस को, जो आपको वहाँ पे मैगजीन मिलेगी उसको भी आप पढ़ते रहें और यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी आप इसको कवर करते चलें। तो मिला जुला के करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम में, आप यहाँ से आपको सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हो जाती हैं, है ना। तो आपको आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आप इनको नोट करते चलिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्लास के PDF को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करवाएंगे, ताकि आप लोग वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाएं, ठीक है। देखिए, हमने प्रयास किया है कि जो भी कंटेंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद इन 7 डेज के, अब डेली बेसिस पे आप लोग जानते हैं बहुत करंट अफेयर बनती है, तो क्या हमें सारी पढ़नी होती है? नहीं, हमें ये भी तो देखना है कि भाई जितना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ा जाए, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या छोड़ा जाए, है कि नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये जारी हुआ है। इसके पीछे कंडीशन क्या है जरा इसको आप समझिए आप लोग, कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, क्या पॉइंट बोला गया है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को मिला शीर्ष स्थान। यानी बेंगलुरु, ये आप देख पा रहे होंगे बेंगलुरु सिटी का यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, इसको मिला है पहला स्थान 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है जी। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को मिला शीर्ष स्थान, वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले, वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को शीर्ष स्थान मिला है। टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बरेली, धनबाद और श्रीनगर को सबसे खराब रैंकिंग मिली है। सबसे खराब रैंकिंग किसको, देखिए उत्तर प्रदेश PCS की अगर आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं बरेली आपका UP में ही हो गया, धनबाद बिहार हो गया और श्रीनगर जम्मू कश्मीर, यानी ये खराब रैंकिंग में आए हैं इस बार। और 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में बिहार का जो मुजफ्फरपुर है इसका आखिरी नंबर आया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिहार का मुजफ्फरपुर इसका आखिरी नंबर है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, ठीक है। वहीं पे ध्यान दीजिएगा कि जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये शहरी विकास मंत्रालय ने पहली बार 2018 में प्रकाशित किया था, ठीक है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको जरूर पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, अफोर्डेबल हाउसिंग,
ट्रांसपोर्टेशन जैसे 15 मानकों के आधार पर इस रैंकिंग को जारी करता है। कितने मानक हैं टोटल? 15 मानक हैं जिनके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। पहला पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे, पहले नंबर पे 10 लाख आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले में बेंगलोर, दूसरे नंबर पे 10 लाख से कम आबादी वाले में शिमला, उसके बाद 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बरेली, इन सबका खराब रैंकिंग। तीसरा पॉइंट और आखिरी में, सबसे आखिरी में मिला है बिहार के मुजफ्फरपुर को। ठीक है जी, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। 5 पॉइंट देखिए, इसी तरीके से पॉइंट आपको समझते हुए चलने हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ में ये कब जारी हुआ और अंततः पॉइंट कितने मानकों के आधार पे इसको जारी किया जाता है, तो 15 मानकों के आधार पे इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। ठीक है जी, जब भी रैंकिंग वाला प्रश्न आएगा, जब भी देखिए कोई भी आप इंडेक्स अगर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडेक्स होते हैं वहां पे आपको ये पढ़ना है कि कितने देश शामिल हैं, कितने देश उसमें शामिल हैं, उसके बाद उसमें टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, उसके बाद आपको ये जानना है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, और अंततः आपको ये जानना है कि जारीकर्ता कौन है, किसने जारी किया है ये। ठीक है जी, तो यही प्रश्न इंडेक्स फॉर्मेट से आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब तक तो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इन्हीं के संदर्भ में कहीं ना कहीं प्रश्न रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। कर्नाटक में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई। देखिए जहां पे ये पहला टर्म आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पे हुई है बच्चों? कर्नाटक में। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यहां पे लॉन्च हुई है कर्नाटक में। हाल ही में कर्नाटक में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, और इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी MNC संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति यहाँ पे पेशकश की गई है यहाँ पे। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक आप ध्यान रखेंगे पहला इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने आया है, जो आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम लोग कर्नाटक के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान देना है। देखिए अब कर्नाटक चर्चा में आ गया तो यहाँ से कैसे प्रश्न देखने को बन सकते हैं ये आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत कर्नाटक के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो इसकी स्थापना हो रही है वो है 1 नवंबर 1956, है ना भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना उसी के आधार पे इसकी स्थापना हुई। कर्नाटक की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी की बात करें, जो सबसे बड़ी सिटी है वो भी आपकी बेंगलुरु है। और यहाँ पे कर्नाटक में जिलों की संख्या की बात करें, कितने जिले हैं, तो 31 जिले कहीं ना कहीं कर्नाटक जिले के अंतर्गत हैं। और इनके जो राज्यपाल हैं, जो भी हाल फिलहाल में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, वाजू भाई बाला। ठीक है जी, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया गया है बच्चों, नेशनल सेफ्टी डे। हाल ही में 4 मार्च 2021 को पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया है, और यह दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को ही मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने के जो उद्देश्य हैं वो देश भर में लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत की गई 4 मार्च 1972 से इसकी शुरुआत हो रही है। पहला पॉइंट कब मनाया गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई 4 मार्च 1972 को इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या है? नेशनल सेफ्टी डे, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की भी स्थापना की गई, और जिस कारण इसी दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इस बार का जो इसका थीम है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दिवस तो पूछे ही जाते हैं परीक्षा में, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है तो यहाँ पे थीम भी आपसे पूछी जा रही है। तो इस बार 4 मार्च 2021 को जो मनाया गया है इसकी थीम है सड़क सुरक्षा। क्या है बच्चों? रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा रोड सेफ्टी। देखिए ऐसी प्रश्न रहेगा कि हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, निम्नलिखित में से उसका थीम क्या रहा,
सड़क सुरक्षा, याद रह जाएगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, 4 मार्च को ये मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किरण पोलार्ड बने T20, किरण पोलार्ड बने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी। T20 की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, ये किरण पोलार्ड आप देख पा रहे होंगे, इनका फोटो आपने देखा होगा इनको खेलते हुए। ये वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 मुकाबले में किरण पोलार्ड ने भारत के युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी इनसे पहले किसने बनाया था, इनसे पहले बनाया था युवराज सिंह ने, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, ये आपने देखा होगा, है ना। यहीं पे इस मैच में ऑफ स्पिनर अकीला धनंजय के ओवर में 6 छक्के जड़ डाले इन्होंने, और एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, और जिन्होंने वर्ष 2007 में इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के जड़े थे। इन्होंने किन के ओवर में जड़े हैं, अकीला धनंजय। ठीक है, देखिए स्पोर्ट्स से भी प्रश्न है परीक्षा में, आप जानते हैं इस चीज को, है ना। अब इस मैच में पोलार्ड ने 11 गेंद में 38 रन बनाए हैं, बहुत अच्छा स्कोर रहा, और इस कारनामे के साथ पोलार्ड ने T20 में 6 छक्के जड़ने वाले ये युवराज के बाद दूसरे नंबर के और कुल मिलाकर तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। युवराज सिंह ने 2007 में लगाए थे। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में यह कारनामा यहाँ पे इन्होंने किया था। और हर्षल गिब्स ने 2017 में नीदरलैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल बात करें तो तीसरा नंबर इनका आ जाता है, और पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे हैं युवराज, और T20 में दूसरे नंबर पे हैं कौन, किरण पोलार्ड। याद रख पाएंगे, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, माटम वेंकट राव बने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO, यही इनका फोटो है, आप देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। आप अगर 2019-2020 का PCS की परीक्षा देखेंगे तो इस तरीके के जो नियुक्ति वाले प्रश्न है वो भी देखने को आए हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो माटम वेंकट राव हैं, इससे पहले कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और राव की नियुक्ति 3 साल के लिए यहाँ पे की गई है। ठीक है, सेंट्रल बैंक में राव उनके कार्यभार संभालने के दिन से या फिर 1 मार्च 2021 से अगले आदेश तक ये नियुक्त रहेंगे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO माटम वेंकट राव, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनके नए CEO मार्टन राव यहाँ पे बन गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा इनके बारे में। मार्टन राव बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रवि कपूर को संसद टीवी का प्रथम CEO चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद टीवी यानी किसको चुना गया है, रवि कपूर को संसद टीवी का प्रथम CEO। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है, CEO, है ना। और ये जो कपूर जी हैं, रवि कपूर, ये 1 मार्च 2021 से 1 साल के लिए इस पद पर नियुक्त रहेंगे, यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर इनका चलेगा। और राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से राज्यसभा टीवी व लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टेलीविजन बनाने की घोषणा के परिणाम स्वरूप रवि कपूर को संविदा के आधार पर तत्काल प्रभाव से 1 साल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो संसद टीवी, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जहां पे राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी के रूप में अब एक ही चैनल बना दिया जा रहा है, जहां पे आप लोग अलग अलग चैनल देखते थे, तो अब एक ही चैनल के माध्यम से आप इनको देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यही है, संसद टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नाम हुआ एक, क्या नाम हो गया है, संसद टीवी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 संसद चैनलों यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है, जिसे अब संसद टीवी कहा जाएगा। और लोकसभा टीवी 2006 में तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने इसको लॉन्च किया था, जबकि राज्यसभा टीवी 2011 में अस्तित्व में आया था। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ ध्यान रखना है, क्या नाम कर दिया है, संसद टीवी, क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा जो टीवी है ये कब अस्तित्व में आया, 2006 में, कौन थे उस समय स्पीकर, सोमनाथ चटर्जी। राज्यसभा टीवी अस्तित्व में आया 2011 में,
इन दोनों चैनलों पर संबंधित सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता था और इसके अलावा कई विषयों पर कार्यक्रम और चर्चाएं भी यहाँ पे आयोजित होती थी। साल 2019 में दोनों चैनलों का विलय को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया था। तीसरा पॉइंट, कब गठन किया गया इनको एक करने के लिए, आईवीएस आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा ना। चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एसएससी में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आप यकीन नहीं कीजिएगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के कारपेट का कलर कैसा होता है, देख पा रहे हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये लोकसभा है या ये राज्यसभा है। यानी एक जगह आप कलर देख पा रहे हैं रेड कारपेट, एक जगह कलर देख पा रहे हैं ग्रीन कारपेट। कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा का रेड होता है या राज्यसभा का रेड होता है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट और मैं आपको उसके अनुसार रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखिए ये भी चर्चा में है, 3 मार्च को सेलिब्रेट हुआ है ना, 3 मार्च को ये चर्चा में आया है, उसके बाद आपको इसके संदर्भ में ध्यान देना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में 3 मार्च को यहाँ पे दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को ही मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लुप्त हो रही वनस्पतियों जीव जंतुओं के प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आपके परीक्षा में एक सेगमेंट मेंशन है, अगर आपने ध्यान दिया हो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये भी उससे कनेक्ट होगा, ठीक है। कब मनाया गया है? 3 मार्च। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 68 नंबर सत्र में कब 2013 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की यहाँ पे घोषणा की थी और इसे थाईलैंड की ओर से विश्व के वन्य जीवों वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट देखते हैं, जयदीप भटनागर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जयदीप भटनागर ये बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो PIB पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक ये बने हैं, ठीक है जी। PIB जिसका आप वेबसाइट देखते हैं, जहाँ से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो जयदीप भटनागर, इनको PIB का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है और भटनागर भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं, ये ध्यान नहीं दीजिएगा ज़्यादा। और इससे पहले दूरदर्शन समाचार में कमर्शियल सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन के ये प्रमुख भी रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो भटनागर जी जो हैं प्रसार भारती के विशेष संवाददाता के रूप में भी पश्चिम एशिया में अपनी सेवा दे चुके हैं और उसके बाद आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी काम किया है इन्होंने, प्रमुख रहे वहाँ के, और पत्र सूचना कार्यालय के प्रथम महानिदेशक के दायित्व से भी ये PIB के विभिन्न पदों पर 6 वर्षों तक ये कार्य कर रहे हैं। भटनागर ने कुलदीप सिंह धवालिया 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद ये कार्यभार संभाला है। 2 पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला कि भैया महानिदेशक कौन बने हैं, है ना, जयदीप भटनागर किनके स्थान पे बने हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुलदीप सिंह दत्तवालिया, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और आज हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में और जानेंगे कि वहां से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 2019-2020 वाले में भी देखने को बने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? मनप्रीत वोरा को। कहाँ किया गया बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। यही इनका फोटो है, देख पा रहे होंगे आप लोग। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे, नियुक्त किए गए हैं। और मनप्रीत वोरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना। ये हालांकि अखिल भारतीय सेवा नहीं है, अखिल भारतीय सेवा तो 3 ही, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं और वर्तमान समय में मेक्सिको में बतौर भारत के राजदूत के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। वहीं पे बात करें कि मनप्रीत वोरा जल्द ही नया कार्यभार भी संभालेंगे यहाँ पे और वोरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये सहयोग को मजबूत भी करेगा। क्लियर है? किनको बनाया गया है? मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। देखिए 78वें नंबर का इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा हुई है, जिसमें नोमाड लैंड
को बेस्ट मोशन पिक्चर पिक्चर का अवार्ड मिला है, और दिव्यांग अमेरिकी अभिनेता चैडविक बॉसमैन ने माँ रेनेसिस ब्लैक बॉटम में लेवे ग्रीन के अपने चित्रण के लिए मरणोपरांत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पूछा है। यहाँ पे इनको पुरस्कार जीता है इन्होंने। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म जगत में। ठीक है जी, प्रश्नों का लैंग्वेज कुछ यही है। कौन से नंबर का दिया गया है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट पहला ये हो गया, दूसरा पॉइंट 78 नंबर का। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया जा रहा है, नोमादलैंड। ठीक है, और अमेरिकी अभिनेता जो दिव्यगंत है चैडविक बॉसमैन, इनको मिला है 4 पॉइंट। यहाँ पे आप लोग इसके संदर्भ में जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो एक नज़र आप लोग देखे रहें, है ना, जो मैं कहूँगा, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट मोशन पिक्चर यानी ड्रामा के लिए नोमैडलैंड को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर के लिए एंड्रा डे को मिला है। ठीक है, यहीं पे बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं। बेस्ट टीवी सीरीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन में टीवी सीरीज वेब सीरीज बहुत बनी है, तो ये मिला है द क्राउन नेटफ्लिक्स को, द क्राउन नेटफ्लिक्स। उसी के बाद बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज मोशन पिक्चर मेड फॉर टीवी, ये मिला है द क्वींस गैम्बिट। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर ये मिला है, अभी जो हमने बात करी चैडविक बॉसमैन, ये इनको मरने उपरांत मिला है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए इनको मिला है। बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए म्यूजिकल एंड कॉमेडी जो है ये ब्रॉड सब्सक्वेंट मूवी को मिला है, और बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर के लिए सचा ब्राउन और इनको मिला है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में, फिल्म जगत में दिया जाता है, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेस्ट एक्टर यानी अनिया टेलर को मिला है जॉय, द क्वीन गैम्बिट के लिए मिला है, और लिमिटेड सीरीज ऑफ मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन, ये बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सपोर्टिंग रोल एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यहाँ पे दिया गया है, लिमिटेड सीरीज फॉर मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन, जो जिनका नाम है गिलियन एंडरसन, द क्राउन के लिए मिला है इनको। ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर टीवी सीरीज, ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेस्ट टीवी सीरीज के लिए जो मिला है यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, सचित पुरिक को मिला है। ये बाकी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जिन पे मैंने मार्क किया है उनको जरूर ध्यान रखिएगा, या आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक नज़र देखे रहिएगा। बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस, ये भी इनको आप देख पा रहे होंगे लिस्ट सारी। चलिए आगे देखते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को यहाँ पे ये मनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसको आगे पीछे करा है, पहले हमने 3 मार्च के देखे, अब 1 मार्च, फिर 2 मार्च, फिर 4 मार्च, फिर 6 मार्च, यानी ताकि सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर एटलीस्ट, क्योंकि सिक्वेंस रहेगा तो हो सकता है भूल भी जाए। हाल ही में 1 मार्च 2021 को दुनिया भर में शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया है, और यह दिवस महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए प्रतिवर्ष 1 मार्च को ये मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस किससे संबंधित है, महिला से संबंधित। ठीक, उसके 7 दिन बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, थोड़ा धैर्य रखिएगा, सारे पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। अगर यहाँ पे समझिए कि इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2014 से की गई है, वर्ष 2014 से ये सामने आ रहा है, 2014 से। इसे एड्स कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से भी लड़ना यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरी है, और इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है, बगैर किसी विकल्प के महिलाओं व लड़कियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में बराबरी के अवसर के लिए आवाज उठाना भी है। सबसे पहला पॉइंट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का मनाया गया है 1 मार्च को, किससे संबंधित है, तो महिलाएं और लड़कियां। ठीक है जी, महिलाएं एवं लड़कियां। इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, जरूर होमवर्क पे वर्कआउट किया कीजिए। होमवर्क है बच्चों इसमें कि इस बार इसका थीम क्या था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्य बाला को मिला है 2019 का, अब ये घोषित किया गया है, इनको मिला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के सम्मानों में पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 5 लाख रुपए प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान ये किसको मिलेगा, मुंबई के हैं डॉक्टर सूर्य बाला को मिलेगा, और इसके अलावा 4 लाख रुपए का जो लोहिया साहित्य सम्मान है ये लखनऊ के दयानंद पांडे हैं, और 4 लाख रुपए हिंदी गौरव सम्मान के लिए तरुण विजय को मिला है। सूर्य बाला जी के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर सूर्य बाला ये कहाँ के रहने वाले हैं, वाराणसी के,
बाकी डिटेल है, इनको ज़्यादा आप अहमियत ना दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रखी हैं सारी चीज़ें कि ये आर्य महिला डिग्री कॉलेज में इन्होंने अपना अध्यापन किया, BHU से हिंदी साहित्य की इन्होंने PhD भी की, और कायस्थ परिवार में जन्मी सूर्यबाला का पूरा नाम सूर्यबाला वीर प्रताप सिंह श्रीवास्तव, ये इनका पूरा नाम है। आपने देखा होगा UPPCS में 2017 में पूछा गया डींग एक्सप्रेस किसका निक नेम है, डींग एक्सप्रेस है ना, अभी हाल ही में इनको इंस्पेक्टर बनाया गया है, इनका नाम है हिमा दास, बहुत तेज धावक हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं, है ना, और डिंग एक्सप्रेस का इनका निक नेम रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि सूर्यबाला जो डॉक्टर सूर्यबाला हैं इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यबाला वीर प्रताप सिंह श्रीवास्तव, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नोएडा हॉट में सरस आजीविका मेला 2021 का यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है, और इस मेले में 27 राज्यों के 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह को लेके यहाँ पे शिल्पकार कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि सामान्य रूप से ग्रामीण भारत विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर परिवर्तन लाने हेतु ये कार्यक्रम यहाँ पे कहीं ना कहीं लाया गया है, और इस मेले के दौरान अगर बात करें तो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों शिल्पकारों और प्रशिक्षित करने के लिए उत्पादों पैकेजिंग तथा डिजाइनर संचार कौशल सोशल मीडिया प्रचार और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग पर कार्यशाला आयोजित यहाँ पे ये की जा रही है। तो आपको यही ध्यान देना है कि सरस आजीविका मेला 2021 जो हाल ही में बनाया गया है सेलिब्रेट हुआ है कहाँ हुआ है सर, तो ध्यान देंगे नोएडा में। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, है ना, 3 मार्च को सेलिब्रेट हुआ है, ये आपके सामने चर्चा मिला है, बात कर ली है इसके ऊपर हमने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व NGO दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं आपका आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं दबाव समूह, याद आ रहा है, तो दबाव समूह में कहीं ना कहीं NGO सोशल सोसाइटीज इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है, तो उससे संदर्भ में कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है कि विश्व NGO दिवस कब मनाया गया, प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी, प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में गैर सरकारी संगठन NGO के योगदान को रेखांकित करने के लिए विश्व NGO दिवस का आयोजन किया जाता है, और यह दिवस उद्देश्य, इस दिवस का उद्देश्य जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लोगों को गैर सरकारी संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है, और यह दिवस आम लोगों को NGO संस्थापक कर्मचारियों स्वयंसेवकों और सदस्यों और समर्थकों को सम्मानित करने और उनके कार्य को समझने का यह अवसर भी देता है। आपकी जानकारी के लिए सर्वप्रथम विश्व NGO दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। यहीं पे अगर NGO की बात करें, है ना, गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक निजी संगठन होता है, और जो आम लोगों की समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, यानी इन सबसे ये कहीं ना कहीं NGO जुड़े रहते हैं, और ये किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित करते हैं, और ये संगठन सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, गैर सरकारी है भाई, और इन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त होता है, कानूनी दर्जा इनको दिया गया है, और ये किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत भी होते हैं। तो आपके लिए प्रश्न यही रहेगा, देखिए जो जो पॉइंट हमारे कुछ हमें लगेगा कि प्रीवियस के भी इंपॉर्टेंट हैं जो नहीं हो पाए हैं, तो वो भी आपके सामने लाए जाएंगे, ठीक है। तो विश्व NGO दिवस कब मनाया गया बच्चों, 27 फरवरी, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्लैक ब्लाउडर, ब्लैक ब्राउड वेबलर, है ना, हाल ही में दक्षिण पश्चिम कालीमंतन जो बोर्निया का ये हिस्सा है और एवं इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है, इसमें ब्लैक ब्राउडर वेबलर को फिर से खोजा गया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये यहाँ पे मैप हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे जरा एक चीज समझिए कि ये जो ब्लैक ब्लाउडर है इसका इसके अगर हम इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1840 के दशक में एक ईस्ट इंडीज अभियान के दौरान रहस्यमय पक्षी यहाँ पे पकड़ा गया था, इसे ब्लैक ब्राउड बेवलर का नाम यहाँ पे दिया गया है, और इस प्रजाति को फिर से जंगलों में नहीं देखा गया। एक चमकीले पीले कांच का एक नमूना इसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण है। कोई भी एशियाई पक्षी इतने वर्षों तक विलुप्त नहीं हुआ है जितने वर्षों तक इंडोनेशियाई कि ब्लैक प्राउड बेवलर विलुप्त हुए हैं, और ये पिछले 170 वर्षों से गायब है। तो कहीं ना कहीं
ये जो IUCN जो संस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने आ जाती है और जो विलुप्त प्रजातियों के संदर्भ में कहीं ना कहीं कार्यरत है। ब्लैक ब्राउट बेबलर की बात करें तो इसकी चोंच मजबूत, रंग चॉकलेटी, विभिन्न काली आंखें, विशिष्ट काली आंखें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर लगाई है मैंने। इसके आंख की पुतली गहरे मैरून कलर की रहती है और इसके पंख भूरे, इसके पास एक काली पट्टी इस तरीके का यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अगर महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इस तरह की खोजों की उम्मीद की जा रही है कि ऐसे अन्य प्रजातियों को ढूंढना भी संभव है जो दशकों से या लंबे समय से कहीं ना कहीं विलुप्त हैं। दुनिया भर में पक्षियों को 150 से अधिक प्रजातियों को विलुप्त माना जाता है जिनकी पिछले एक दशक में कोई पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पे इतने पॉइंट जान लेने के बाद आप एक ही पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ब्लैक ब्राउट वेबलर ये किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है? इंडोनेशिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि चर्चा में आया है तो एग्जाम में देखने को बन सकता है। अगला देखते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग डेजर्ट फ्लैग 6 UAE में ये मनाया गया है। पहली बार भारतीय वायुसेना, देखिए जब भी पहली बार होगा आखिरी बार होगा कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा ये आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 4 में इन्होंने भाग लिया है। और इस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वर्षीय बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ध्यान दीजिएगा किनके मध्य हो रहा है? डेजर्ट फ्लैग 4 सॉरी ये 6 है, डेजर्ट फ्लैग 6 किनके मध्य हो रहा है? तो भारत और UAE के मध्य। क्लियर है? UAE यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होंगे, आपके लिए मैंने यहाँ पे मैप भी रखा है, सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर एटलीस्ट। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या रहेगा जरा उसके ऊपर बात करें कि एक नियंत्रित वातावरण में भाग लेने वाले बलों को परिचालन संबंधी जोखिम से बचने का प्रशिक्षण यहाँ पे देना है, टारगेट यही है। इसकी जो अवधि है, UAE के अल दफरा एयरबेस, क्या नाम है? अल दफरा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का ये अभ्यास रहेगा। प्रतिभागी जो है संयुक्त अरब अमीरात, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन, इन सबकी वायुसेना यहाँ पे कहने के पार्टिसिपेट कर रही है। आप यहाँ पे देख पाएंगे प्रतिभागी कौन कौन है। और भारत की सहभागिता की अगर बात करें तो भारत वायुसेना 6 Sukhoi-30 MKI-2C-17 ग्लोबमास्टर और 1 IL-78 टैंकर विमान के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयन सीरो, आप देख पा रहे होंगे हाल ही में असम, देखिए एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हाल ही में असम में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया है, चर्चा में आ गया है, हिमालयन असम में देखा गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हिमालयन सीरो को असम में 950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो आपके सामने प्रश्न क्या आएगा कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि हिमालयन सीरो को यहाँ पे फर्स्ट टाइम चर्चा में ये सामने आया है। उसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि जो टाइगर रिजर्व के स्वस्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकेत दे रहा है, हिमालयन सीरो बकरी, गधा, गाय, सुअर के समान दिखता है। आप देख पा रहे होंगे कई सारे जानवरों की आकृति लिए हुए हैं यहाँ पे, इसका पिक लगाया गया, आप देख पाइएगा। यह बड़े सिर, मोटी गर्दन, छोटे अंग, खच्चर जैसे कान और कान बालों, एक मध्यम आकार वाली स्तनपाई है। हिमालयन सीरो या कैप्रिकॉर्निस थार हिमालय क्षेत्र तक ही ये सीमित हैं और इसे मैनलैंड सीरो या कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेसिस की उप प्रजाति भी माना जाता है। ठीक है, आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, इस तरीके के प्रश्न ही परीक्षा में देखने को मिलते हैं जो किसी ना किसी कारणवश चर्चा में है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसे पूर्व दिसंबर 2020 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति के पास एक नदी के किनारे स्थानीय लोगों और वन्य जीव अधिकारियों ने हिमालयन सीरो को देखा और असम और हिमाचल प्रदेश में सीरो को देखा जाना इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आमतौर पर जो समुद्र की सतह है यानी 4,270 मीटर की ऊंचाई पर ये नहीं पाए जाते। हिमालयन सीरो जो है IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, IUCN है ना, IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत इसको सूचीबद्ध भी किया गया है और इसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की बात भी सामने आई है। यानी IUCN की जो रेड लिस्ट में जारी, जो रेड लिस्ट में जिनका अपडेशन हो जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं संकटापन्न प्रजाति है,
उनकी प्रजातियों को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए अब ये भी आपके सामने आ गया, कहाँ पे है सिमलीपाल? उड़ीसा में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में। हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना सामने आई है, और हालांकि इस बायोस्फीयर का मुख्य क्षेत्र जो कोर एरिया है वो आग से अछूता था, फिर भी इस प्रकार की आग से समुद्री जैव विविधता जो है वहां तो नुकसान पहुंच ही रहा है। अगर सिमलीपाल के बारे में बात करें तो सिमलीपाल का नाम सैमुल यानी सिल्क कॉटन के पेड़ से लिया गया है, और आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो सामने आया उसके अंतर्गत किया गया। पहला पॉइंट यहां ध्यान रखेंगे कि कहां पे है ये? उड़ीसा में। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973। बहुत बच्चे 1972 लगाते हैं, क्यों भाई 1973 लगाना है जब करेक्ट आंसर यही है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो रहा है ना। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैव मंडल रिजर्व के रूप में भी यहाँ पे घोषित किया था। आप लोग ज्योग्राफी विषय में पढ़िएगा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन सितु और एक्स सितु के बारे में, तो वहाँ आप लोग बहुत डिटेल में इसको जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो यह बायोस्फीयर रिजर्व 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व यानी यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा बन चुका है, और यह सिमलीपाल कुलडीहा और हदगढ़ हाथी रिजर्व का ये हिस्सा भी है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इनके नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस किस नाम से जाना जा रहा है? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, इसमें तीन संरक्षित क्षेत्र यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ है, आपके सामने ये प्रश्न होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जान गए उड़ीसा में है, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा, और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य ये भी उड़ीसा। समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जब सारे पॉइंट ये चर्चा में हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको। इसका जो आवृत क्षेत्र है इस जयमंडल का, देखिए ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक नजर देखे रहिए इसको, कि यह जयमंडल 4300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 845 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र यानी जो बाघ अभ्यारण है वो है, और जो बफर क्षेत्र है वो 1400 वर्ग किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र यहाँ पे शामिल है। ठीक है, बफर क्षेत्र का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि जैसे मान लीजिए ये चाइना है और ये भारत है और बीच में कौन है? नेपाल, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये बफर क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, यानी दो क्षेत्रों के मध्य वाला क्षेत्र बफर क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे वनस्पतियों की अगर बात करें तो सिमलीपाल में 1076 फूलों की प्रजातियाँ हैं, ऑर्किड की 96 प्रजातियाँ हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट फिर भी नजर देखे ना। जनजातियों की बात करें तो इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में दो जनजातियां यानी इरेंगा खारिया और मैन कार्डियास यहां पे ये निवास करती हैं, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं खाद्य संग्रहण यहां पे कर रही हैं। ठीक है, ये वन्यजीव के संदर्भ में चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 चर्चा में आया बच्चों, इसका आप इमेज देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को यहां पे सर्वसम्मति से अपना लिया, जिसमें 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने की यहां पे बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित करने की बात कही गई है? पहला पॉइंट,
2023 में। क्लियर। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो बदलती जलवायु परिस्थितियों में बाजरे के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ज्ञात यहाँ पे आप ध्यान रखें कि बाजरे की जो खेती है ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्तर पर कई देशों में की जाती रही है, किंतु बीते कुछ समय में कई देशों में इसके उत्पादन में कमी देखने को आई है। इसके लिहाज से उत्पादन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में उच्च निवेश किए जाने की आवश्यकता यहाँ पे सामने आ रही है, ताकि बाजरे के पोषण पारिस्थितिकी लाभ से उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निर्णय निर्माताओं को लाभान्वित किया जा सके। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप बाजरे की खेती के लिए अनुसंधान एवं विकास में बढ़ोतरी भी हो सकेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का आयोजन करने से बाजरे के उत्पादन को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ाई यहाँ पे जा सकेगी। ठीक है। और यह खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय में भी बढ़ोतरी करेगा, जहाँ पे गरीबी उन्मूलन, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान, विशेषकर इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से भी काफी प्रभावित रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये भी कहना कहीं आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित मामला है, अर्थव्यवस्था से भी संबंधित मामला, जहाँ आप लोग कृषि पढ़ते हैं, है ना। तो आर्थिक बाजरा वर्ष 2023 को यहाँ पे कहना कहीं घोषित करने की बात सामने आई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैरी कॉम, इनसे आप परिचित हैं। 6 बार विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है। इस समिति की स्थापना पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा अपने सुधार कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में की गई थी। ठीक है। चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई हैं मैरी कॉम। ध्यान दीजिएगा, बीते वर्ष दिसंबर माह में अगर बात करें तो गठित इस समिति में विश्व भर के सभी सम्मानित बॉक्सिंग दिग्गज चैंपियन शामिल रहे हैं। 1 मार्च 1983 को जन्मी मैरी कॉम विश्व प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं। ठीक है। जो मूल रूप से मणिपुर की हैं। कहाँ की हैं? मणिपुर की। और मैरी कॉम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की बात करें तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहली AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के साथ यहाँ पे उन्होंने अपनी शुरुआत की थी अमेरिका से, जहाँ उन्होंने 48 kg भार वर्ग में रजत पदक यहाँ पे इन्होंने जीता। मैरी कॉम की प्रतिभा के कारण वर्ष 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा 2006 में पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया और बॉक्सिंग में उनके बेहतरीन करियर को देखते हुए मणिपुर सरकार ने वर्ष 2018 में उन्हें मिथोई लीमा की उपाधि से भी सम्मानित किया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, 2018 की बात है, प्रश्न आ जाएगा 2021 में कि मिथोई लीमा की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब अध्यक्ष बन गई हैं। समझ पा रहे हैं प्रश्नों का लेवल? इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। मैरी कॉम को अप्रैल 2016 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता भी यहाँ पे मनोनीत की गई है, तो राज्यसभा की सदस्य के रूप में भी हैं ये। आपके सामने यहाँ पे 2 प्रश्न होमवर्क के लिए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा बिना किसी आलस के। होमवर्क, पहला होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए कि मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है, मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे ये है कि जो मैरी कॉम है, सॉरी मैरी कॉम हो गया पूरा नाम, दूसरा प्रश्न ये है कि कौन से विश्व मुक्केबाज चैंपियन हैं, विश्व के मुक्केबाज चैंपियन है जो आज तक नहीं हारे एक भी मैच, आज तक एक भी मैच नहीं हारे। SSC में पूछा गया है प्रश्न, कमेंट करके बताइएगा, आपके पास ये आंसर होना चाहिए, आज तक एक भी मैच नहीं हारे। मैं कमेंट देखूंगा आप लोगों पे। ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न यानी मैरी कॉम का पूरा नाम और विश्व के कौन से मुक्केबाज हैं जो आज तक एक भी मैच नहीं हारे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नाग नदी। देखिए, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़िएगा इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम लोग नदियों के बारे में चर्चा करेंगे वो भी देख पाइएगा, विश्व रिवर सिस्टम के बारे में आप कॉन्टिनेंट के मदद से आप समझ ही रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नाग नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना के लिए तकरीबन 2,117.54 करोड़ रुपये की यहाँ पर मंजूरी आई है और इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंजूरी दी गई है। किसके तहत? राष्ट्रीय नदी संरक्षण, और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इस परियोजना के कार्यान्वयन
से अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट व नाग नदी एवं सहायक नदियों में बहने वाले अन्य प्रदूषक तत्वों की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। इनके इनके स्तर पर कमी लाते हुए नदी के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार भी होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह नदी महाराष्ट्र में नागपुर शहर से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र में तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को यह नाम इसी नदी से प्राप्त हुआ है। तो याद रख पाइएगा कहाँ है, नागपुर। नाग नदी कहाँ है, नागपुर, ठीक है। उसके बाद नाग नदी मूल तौर पर पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है, अंबाझरी झील से निकलती है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नाग नदी सीवेज की बात करें तो जितने भी औद्योगिक कचरे के कारण जो ये काफी अधिक प्रदूषित हो गई है, तथा बीते वर्ष बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी नदी प्रदूषक की ओर सरकार का ध्यान यहाँ पे आकर्षित किया है। यहाँ पे आप दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, पहला कि किसके संरक्षण में इस योजना को मंजूरी दी गई है। पहला पॉइंट है बच्चों नदी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण। दूसरा कहाँ है यह नदी, महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर गुजर रही है। तीसरा पॉइंट, इसी के नाम पे नागपुर का नाम रखा गया है, यानी तीसरा पॉइंट क्या है, अंबाझरी झील से ये नदी निकल रही है। लास्ट टाइम पंपा नदी चर्चा में थी, परीक्षा में पंपा नदी के बारे में पूछ लिया गया। पंपा नदी केरल की नदी है, ठीक है। तनाव नहीं लीजिएगा, बहुत टॉपिक आपके कवर होंगे, बस यही यहाँ पे आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि आप थोड़ा धैर्य रखते हुए तैयारी को करते चले। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने बताया ना जहां पे पहला आ जाएगा वो आपको इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि प्लेटिपस के प्रजनन पुनर्वास को यहाँ पे बढ़ावा दी जा सके, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के कारण यह लगभग विलुप्त होने की कगार पर भी आ गई है। इस योजना के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर की दूरी पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो सिडनी से आप परिचित हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, जहाँ कुल 65 प्लेटिपस मौजूद होंगे। और यह केंद्र संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों को प्लेटिपस के बारे में और अधिक जानने में भी मदद करवाएगा। प्लेटिपस एक जहरीला स्तनधारी जीव है जिसमें इलेक्ट्रो लोकेशन की शक्ति रहती है, अर्थात ये किसी भी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगा के भी कर लेता है, इतना पावरफुल है। उसके साथ में अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रसिद्ध जानवरों जैसे कंगारू आदि के विपरीत प्लेटिपस अपनी एकांत प्रकृति और अत्यधिक विशिष्ट निवास संबंधी आवश्यकताओं के कारण भी प्राय कम दिखाई देते हैं, और इसे IUCN की रेड लिस्ट में भी निकट संकटग्रस्त श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप यही ध्यान रखिएगा कि प्लेटिपस जो चर्चा में आया है कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ का बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ का, सिडनी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि आप एक पॉइंट देख पा रहे हैं IUCN, ये बार बार आपके सामने ये पॉइंट आ रहा है, जरा इसके बारे में भी कुछ पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है जी। IUCN आपको बता दें IUCN की जो शुरुआत हो रही है 5 अक्टूबर 1948, कब हो रही है इसकी शुरुआत, 5 अक्टूबर 1948 को इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, IUCN का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, IUCN का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, ये है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ये कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ब्रूनो कॉपरेल है, कौन है इसके डायरेक्टर, इसके अगर डायरेक्टर की बात करें हम लोग तो कौन है, ब्रूनो कॉपरेल। IUCN के संदर्भ में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है बच्चों, तो यही ध्यान रखिएगा कि जितनी भी संकटापन्न प्रजाति हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट डाल के, कि IUCN का कार्य है जितनी भी संकटापन्न प्रजाति हैं उनको सुरक्षित करना, यानी जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको रेड लिस्ट में जारी करना, ताकि उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा सके। ये तीन प्रकार की लिस्ट जारी करती हैं,
ये एक तो रेड लिस्ट हो गई, लाल रंग लाल लिस्ट हो गई, एक हो गया ऑरेंज लिस्ट, एक हो गया ग्रीन लिस्ट। रेड लिस्ट में उनको डालते हैं जिनका खतरा है, और जो खतरे से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही हैं वो ऑरेंज में चला जाता है, और जो खतरे से बिल्कुल बाहर हो गई हैं उनको डाल दिया जाता है ग्रीन लिस्ट में। तो तीन तरीके की लिस्ट ये जारी करते हैं, यहाँ पे आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेजिमेंट, ठीक है, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेजिमेंट टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में जरा समझिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट प्रौद्योगिकी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, और परीक्षण के दौरान बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत सभी उप प्रणालियों के अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। ठोस ईंधन आधारित डिटेक्टेड रेमजेट जो है तकनीक के सफल प्रदर्शन के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO को तकनीकी लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, और जिससे वह लंबी दूरी हवा से हवा मार करने में भी मिसाइल विकसित कर पाएंगे। वर्तमान में बात करें तो ऐसी तकनीक विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही उपलब्ध है। पिछले महीने DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को सफलतापूर्वक यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्च किया था। आप देख पा रहे होंगे मिसाइल के संदर्भ में, है ना, साइंस एंड टेक में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस जो है टू एयर मिसाइल निकट सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों से निपटने में भी सक्षम है। रैमजेट के बारे में बोलें तो ये एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो घूर्णन कंप्रेसर के बिना आने वाले वायु को संपीड़ित करने के लिए वाहन की अग्रिम गति का उपयोग यहाँ पे करता है, और रैमजेट जो है सुपरसोनिक गति का अधिक कुशलता से कार्य करते हुए किंतु हाइपरसोनिक गति में कुशल ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किसके द्वारा सामने आया, DRDO के द्वारा, कहाँ पे, चांदीपुर। यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। बाओ धान या रेड राइस, देखिए आपके सामने यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, आप इसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में असम के लाल चावल या रेड राइस, कहाँ के बच्चों, असम, पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, असम। ठीक है, पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दी गई है। ठीक है, रेड जो राइस है, लाल चावल जो है, अमेरिका के लिए भेजा गया है, और आयरन से समृद्ध, इसमें क्या देखने को मिलता है, आयरन से समृद्ध लाल चावल को असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग के उगाया जाता है। असम में चावल की इस किस्म को बाओ धान कहते हैं। कहाँ का है बच्चों, ये असम का है लाल चावल, और किस चीज़ से भरपूर है, ये आयरन से। ठीक है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। बाओ धान या रेड राइस के निर्यात में बढ़ोतरी होने से असम के किसान परिवारों की आय में भी वृद्धि करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे बात करें, रेड राइस में एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ, देखिए पहला पॉइंट आयरन मिलता है, दूसरा पॉइंट कहाँ का है, असम का है, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो रेड राइस एंथोसाइन है, इसमें नामक जो पदार्थ मिल रहा है इसके कारण इसका लाल रंग हो रहा है। क्या मिल रहा है, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा।